अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये भी उम्मीद है कि मेरा ये लास्ट लेक्चर आपको समझ भी आया होगा और ये चैनल भी आपको पसंद आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बात बताता चलूं कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। रोजाना आपको नई नई वीडियोज और इंफॉर्मेशन मिलेंगी और इससे आप बहुत ज्यादा कुछ सीख सकेंगे। और जब तक ये जो कोरोना पेंडेमिक है ये रहेगा, तब तक आपने घर बैठकर इसको चैनल को सुनते रहना है। इससे आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है, कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड, खुराक के अज्जा क्या है, इंसानी खुराक है वो कौन कौन सी चीजें उनको लाजमी जरूरत होती है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता चलूं। जब आप किसी पार्टी पे जाते हैं, ठीक है, तो आप नई ड्रेस लेते हैं, ठीक है, हेयर स्टाइल बनाते हैं, नए शूज लेती हैं ताकि आप ज्यादा अच्छे लगें। जो चीजें आपको जरूरत हुई वो आपका एक पार्ट्स बन गए। इसी तरह जो खुराक इंसान को जरूरत होती है, जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, वो खुराक के पार्ट्स बन जाती हैं। तो उन पार्ट्स में से सबसे पहले नंबर पे है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे नंबर पे है लिपिड्स, तीसरे नंबर पे प्रोटीन्स, चौथे नंबर पे मिनरल्स और पांचवें नंबर पे विटामिन्स हैं। ये खुराक के अज्जा है जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है, नीड होती है। सबसे पहले नंबर पे हम कार्बोहाइड्रेट को स्टडी करते हैं। बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स एक बेसिक सोर्स है एनर्जी का जो हम अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। उसके बाद 2/3 ऑफ टोटल कैलोरीज कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। जो खुराक हम रोजाना खाती हैं उनका 2/3 हिस्सा हम कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में लेते हैं। मीन के हमें जितनी भी एनर्जी चाहिए होगी तो उनमें से जो 2/3 हिस्सा है वो कार्बोहाइड्रेट ही से हम हासिल करेंगे। इसके अलावा ग्लूकोज इज मोस्टली यूज कार्बोहाइड्रेट्स। जो ग्लूकोज है ये खुराक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा अदर जो कार्बोहाइड्रेट है उनमें माल्टोज है, लैक्टोज है, सरोज है और स्टार्च है। ये कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ पार्ट्स हैं, अज्जा हैं, ठीक है, जिनकी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स कितनी खाएं हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? देखें, अगर हम 1 ग्राम खाएंगे तो 4 किलो कैलोरीज हमें मिलेगी। यानी कि 1 ग्राम ग्लूकोज खाने से हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हम कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से हासिल करती हैं, कहाँ से गेट करती हैं, सोर्स क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, हम कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेड रोटी से हासिल करते हैं, पास्ताज पास्ता से हासिल करती हैं, बीन्स लोबिया से हासिल करती हैं, पोटैटोज आलू से हासिल करती हैं, ब्रेन यानी कि जो जौ का आटा है उससे हासिल करते हैं, राइस चावलों से हासिल करती हैं, एंड सीरियल्स और दालों वगैरह से ये कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। इसके अलावा लिपिड्स, डियर स्टूडेंट्स, आप दूध पीते हैं, ठीक है, दही खाते हैं, इसके अलावा और बहुत सी चीजें खाते हैं जिसके अंदर लिपिड्स मौजूद होती हैं। इसकी सबसे पहले डेफिनेशंस करते हैं। लिपिड कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स बॉन्डेड टू ग्लिसरॉल्स। लिपिड्स एक्चुअली फैटी एसिड्स हैं, लेकिन इसके साथ ग्लिसरॉल्स भी अटैच होता है। तो कंप्लीट हम उस लिपिड्स की डेफिनेशन करेंगे। द फैटी एसिड कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल्स आर कॉल्ड लिपिड्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो फैटी एसिड्स है ना, ये 2 टाइप्स की होती है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मैं ऑलरेडी आपको यही बता चुका हूं कि ये लिपिड्स एक्चुअली फैटी एसिड्स हैं। अब फैटी एसिड्स की 2 टाइप्स हैं, एक को सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। अब इन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डिफरेंस करते हैं कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड कार्बन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम विद सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के जुड़ा होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड
बॉन्डेड कार्बन टू कार्बन बाय डबल बॉन्ड्स, ये देखे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं, जो सैचुरेटेड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के साथ। इसके अलावा सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है ये ठोस सॉलिड होती है रूम का टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये भी बताता चलूं, जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अलावा ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये माय हालत में लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर में। इसके अलावा डियर स्टूडेंट सैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल्स, बटर कंटेन 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड, मक्खन में 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। उसके बाद सनफ्लावर सूरजमुखी, इसमें 25% सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो अब ये जो हमने लिपिड्स पढ़ा है इसके फंक्शंस क्या हैं? ठीक है, हम लिपिड्स को खाते हैं एज अ फूड, तो ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, क्या हम खा रहे हैं ये वैसे का वैसे हमारी बॉडी से गुजर जाएगा या ये हमारी बॉडी को जरूरत भी है या नहीं है? तो डियर स्टूडेंट्स देखें, मेम्ब्रेन शीथ, ये मेम्ब्रेन का एक ग्लाफ बनाती है हमारी बॉडी के ऊपर, एक फैटी एसिड्स फैटी लेयर होती है जो पसीना पैदा करती है, तो ये हर सेल में ये मेम्ब्रेन बनाती है जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सराउंडिंग द न्यूरॉन्स, डियर स्टूडेंट्स जो न्यूरॉन्स हैं ये हमें बताती हैं कि बॉडी के ऊपर पेन कहाँ हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा ठंडक कहाँ लग रही है, गर्म कहाँ है, तो ये न्यूरॉन्स एक्चुअली सेंसिटिव होती हैं जो हमारी बॉडी को इंफॉर्मेशन देती हैं कि फलां चीज गर्म है, फलां चीज ठंडी है, फलां चीज कड़वी है, ठीक है, तो ये हमें न्यूरॉन्स बताती हैं। तो लिपिड जो है वो न्यूरॉन्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स फॉर्मेशन, हार्मोन्स एक्चुअली मैसेंजर है, एक जगह से दूसरे का मैसेज पहुंचाती हैं, तो लिपिड्स हार्मोन्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा लिपिड्स कितनी खाएं, हमारी बॉडी को कितनी जरूरत होती है या एक ग्राम से कितनी हमें एनर्जी मिलेगी, तो डियर स्टूडेंट्स 1 ग्राम प्रोवाइड्स 9 किलो कैलोरीज एनर्जी, यानी कि जो लिपिड्स हैं वो सबसे ज्यादा एनर्जी देती हैं, यानी कि अगर हम 1 ग्राम खाएं तो हमें 9 किलो कैलोरीज मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम खाते तो 4 किलो मिलती थी, जब हम लिपिड्स खाएंगे तो 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। उसके बाद सोर्सेज, हम लिपिड्स को कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं या लिपिड्स कौन कौन सी फूड के अंदर मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट लिपिड्स मौजूद होते हैं मिल्क दूध में होती हैं, बटर मक्खन में होती हैं, चीज पनीर में होती हैं, एग्स जो अंडे खाते हैं उनके अंदर लिपिड मौजूद होता है, मटन जो गोश्त खाते हैं उसके अंदर भी मौजूद होता है, फिश मछली के अंदर भी मौजूद होता है, मस्टर्ड सीड सरसों के बीज या सरसों के तेल में भी लिपिड्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा कोकोनट नारियल में भी ये मौजूद होती हैं लिपिड्स, और ड्राई सीड्स और खुश्क बीज खुश्क फलों के अंदर भी ये लिपिड्स मौजूद होती हैं।